वैसे कराची में बहुत से पिकनिक पॉइंट्स हैं, लेकिन कुछ उनमें भी हैं हिडन। तो मैं आपको वहीं आज हिडन पिकनिक पॉइंट पे ले जाने वाला हूँ, छोटा सी व्यू। यार लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। अब हमारा सफ़र होता है शुरू। सबसे पहले हम गए पेट्रोल डलवाने अपने दोस्त के साथ शोएब। पेट्रोल डलवाने के बाद हम भरे अपनी मंजिल के जाने। ये रास्ता इब्राहिम हैदरी और कुरंगी दोनों से लगता है, पर हम गए कुरंगी वाले रास्ते से। आपको ये मिलेगी वॉल, उस पर औसम किस्म की कलाकारी की गई है। चार मछली कश्तियाँ वो ये बनाई गई। इससे थोड़ा ही आगे चलने के बाद आपको मिलेगी ये गवर्नमेंट कॉलेज, जो कि काफ़ी अरसे से बंद है, लेकिन उसके बावजूद जो यार टीचर्स पढ़ाते थे उनको अभी भी सैलरी मिली। शट अप। ये खूबसूरत से रास्ते को पार करके हम पहुंच गए अपने मंजिल पर, छोटा सी व्यू। वहाँ पहुंच के हमें पता चला यार यहाँ तो ताला लगा हुआ है। म्यूजिक। हो चुका था प्रैंक, वहां ताला था तो हम सीधा चले गए न्यू फिशरी। न्यू फिशरी पहुंचते ही गार्ड ने हमें कहा यार चाय पानी करा दो। तब मेरे जहन में ख्याल आया कि यहाँ सिर्फ हुक्मरान ही नहीं, यहाँ के आवाम भी दो नंबरी में पहले नंबर पे है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर हम इंटर हुए न्यू फिशरी में। यहाँ आप किसी भी टाइम आ सकते हो, लेकिन जाओ मगरिब से पहले पहले, क्योंकि वरना फिर आपकी ख्वाबों की तपिश जिंदा हो सकती है। भैया जी बाइक पे घूमते घूमते हमें मज़ा नहीं आया न्यू फिशरी में, तो फिर हम आ गए बाहर। न्यू फिशरी के बाहर ही आपको देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा यार लोग बैठे हुए थे, हम भी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ गए और यहाँ का मुआयना करने लगे। फिर यहाँ मुआयना करने के बाद फिर हम गए बंगाली धक्का। वहाँ की आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़्यादा साफ है। वैसे बंगाली धक्के पे भी काफ़ी ज़्यादा रश होती है, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ घूमने आते हैं। ये भी एक तरह से पिकनिक पॉइंट ही है, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज आती हैं, पर आज कोई भी नहीं था। फिर हम भी थोड़ी देर बैठे बोर होके यहाँ से फिर अपने घर की तरफ रवाना हो गए।